बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर के साथ आज फिर से तैयार है चेतन भूटानी। चेतन लेकर आ रहे हैं आपके लिए एक्सक्लूसिव खबर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त नई दिल्ली से। स्वागत है चेतन, बताइए क्या है बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आपके पास। सर, ये जो खबर है ऑयल मार्केट, जो रिटेल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन HPCL BPCL के लिए बहुत बड़ी खबर यहाँ पे आते हुए, भारत सरकार जो भी इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल रिटेल करेगी उस पर टैक्स इंसेंटिव देने की बात चल रही है। इनफैक्ट जो प्राइम मिनिस्टर ने सैटरडे को एक बहुत बड़ी स्पीच दी थी इथेनॉल पर, इथेनॉल का एक रोड मैप इनफैक्ट सेट किया था, उस पर भी भारत सरकार काफी फोकस्ड है। और उस विजन डॉक्यूमेंट में भी इनफैक्ट ये मैंशन है कि एक पॉलिसी जिस पर तैयार कर जाएगी इथेनॉल की तरफ, उसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को काफी बेनिफिट होगा। अब मैं फटाफट अपने दर्शकों को समझा दूं कि इसका मतलब क्या है। अगर कोई कंपनी इथेनॉल बनाती है तो इथेनॉल को डायरेक्ट सेलिंग नहीं करती है वो भारत में। अभी इथेनॉल जो बेचा जाएगा या बेचने की तैयारी है या बेचा जाता है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के थ्रू किया जाता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ऑर्डर्स देती हैं इथेनॉल कंपनीज को और वो इथेनॉल सप्लाई करती हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को। तो कंज्यूमर्स को और रिटेलर्स को, जो कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं रिटेलर्स में और कंज्यूमर जैसे आप और मैं, उनको बहुत बड़ा फायदा होने की उम्मीद है अगर हम लोग E95 या E100 इथेनॉल यूज करते हैं। जिसका मतलब ये है कि भारत सरकार के जो टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो नीति आयोग, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री, सियाम, इन सब में एक मीटिंग हुई है जिसमें ये सब एक डिस्कशन हुआ है कि एक साल के अंदर एक इथेनॉल कट 95% या 100% ब्लेंडिंग के साथ टू व्हीलर मार्केट में उतारा जाए। उस पर भी ऑटो इंडस्ट्री को भारत सरकार ने ये बोला है सियाम को कि आप लोग इस पर काम करें और एक साल के अंदर अंदर लेके आए ताकि इथेनॉल का जो मोमेंटम है वो बढ़ा रहे। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो इसमें रहेगी सर, वो ये रहेगी कि अगर आपके पास व्हीकल है वो तो अच्छी बात है, लेकिन आप अगर एज अ कस्टमर जाएंगे तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को भी टैक्स इंसेंटिव देने की बात होगी और कस्टमर को भी कुछ टैक्स इंसेंटिव व्हाइल परचेजिंग इथेनॉल व्हीकल भी देने की तैयारी है भारत सरकार। ओके, तो ये है आपके लिए टैक्स बेनिफिट भी आने की तैयारी में, और वो टैक्स बेनिफिट आएंगे तेल मार्केटिंग कंपनियों के लिए जहां पर इथेनॉल से जुड़े हुए जो भी ब्लेंडिंग की जाएगी उसके देखते हुए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को मिलेगा इंसेंटिव, और इस पर कर रही है सरकार काम काज। आइए IOC के चार्ट देखेंगे सुमित जी, और BPCL के चार्ट देखेंगे बंसल जी, और तीसरा स्टॉक कौन सा है HPCL। HPCL के चार्ट भी हम दिखाएंगे विश्वेश जी से, तो तीनों के चार्ट तैयार कीजिए। सुमित जी बताएं पहले आप। IOC के अंदर अनिल जी तेजी है, स्टॉक वन में तेजी के ट्रेंड के अंदर में है। स्टॉक यहाँ से और ऊपर का मुंह दिखा सकता है। IOC में लग रहा है ऊपर में 120 से पहला टारगेट देखने को मिलेंगे, और 120 के लेवल अगर एक बार टूट जाते हैं और सस्टेन करता है तो इस बार IOC 125 रुपए तक का मूव भी दिखा सकता है। तो जिन्होंने पोजीशन बना रखा है होल्ड करके चले, 120 से 125 के टारगेट होंगे, नीचे में 111 112 का सपोर्ट है। ओके, तो IOC में बड़ी तेजी की तैयारी, BPCL तो लगातार पसंद है, और BPCL तो ऐसा लग भी रहा है बंसल जी के जिस दिन स्पेशल डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ था उस समय 485 के आसपास का हाई बनाया और वहां से करेक्ट होकर अब आज बड़े दिनों बाद 485 के ऊपर क्लोज देने की तैयारी कर रहा है। क्या किसी बड़े ब्रेकआउट की तैयारी है BPCL में 550 रुपए की तरफ? बिल्कुल अनिल जी, एक नेकलाइन है, क्लियरली वो नेकलाइन अनिल जी 480-485 की नेकलाइन है, और आपने राइटली पॉइंट आउट करा उस दिन गैप अप ओपनिंग हुई थी तो उस दिनों के हाईस के ऊपर भी निकला है और कंफर्टेबली नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। और एक चीज देखिए अनिल जी, काफी लोग चार्ट वार्ट देखते हैं तो एक तो नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है और नेकलाइन के नीचे डेली चार्ट पर एक छोटा राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन है, तो टेक्निकली तो अनिल जी संकेत है एक बड़ा बम फटने के, काफी तेजी से भागेगा ये, और चांसेस है कल ओपनिंग सेशन में ही इसके अंदर 500 प्लस के लेवल्स देखने को मिले। बिल्कुल, और BPCL बड़ी तेजी के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है, डिविडेंड 58 रुपए का जेब में है, चिंता न करें आगे पीछे आएगा, थोड़ा वक्त लगेगा, अगस्त के महीने में आने की संभावना है, लेकिन तब तक स्टॉक में है जबरदस्त तेजी और गर्मी, और ये स्टॉक डे हाई पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। आज 485 के ऊपर की क्लोजिंग पर नजर रखें, और एक बार 485 के ऊपर फ्यूचर्स, कैश नहीं फ्यूचर्स लगाइए, 485 के ऊपर फ्यूचर 490 के आसपास पहुंच चुके हैं, तो यहां पर बढ़िया तेजी की तैयारी होती हुई दिख रही है, और ऐसी एक बढ़िया तेजी की तैयारी शायद HPCL में भी होती हुई दिख रही है, जो रहा है विश्वेश जी का पसंदीदा शेयर। विश्वेश जी देखिए इसके चार्ट। देखिए अनिल जी, एक इंटरेस्टिंग चीज है कि चार्ट डेफिनेटली अच्छा है, और मैं चार्ट कहूंगा कि थोड़े लंबे होराइजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, ये क्वार्टर अनिल जी
पहला ऐसा क्वार्टर है, अगर आप इससे पहले 2020 के चार क्वार्टर देखेंगे तो उसमें कभी भी स्टॉक 240 के ऊपर नहीं गया था, इस क्वार्टर में स्टॉक 240 टू 300 आ गया, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, स्टॉक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग कंसोलिडेशन 300 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, 300 के कॉल में आज के दिन में एस बी एस स्पीकिंग अनवाइंडिंग है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी 300 में है। मुझे ऐसा लग रहा है अनिल जी, HPCL इज लाइकली टू गो वेरी शार्पली टूवर्ड्स 320 जहां पे 10 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है। तो 300 का कॉल ऑप्शन अगर कोई खरीदना चाहता है 8 रुपए के आसपास, तो मुझे लगता है यहाँ पे 5 रुपए के स्टॉप लॉस से HPCL का 300 का कॉल ऑप्शन खरीदना के तेजी करनी चाहिए।